हेलो जी, हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है आशीष ब्लॉग। तो आज का दिन मंडे, सावन का लास्ट सोमवार। तो आज हम जाके हम जल उल चढ़ा के आए हैं, इसीलिए लेट हो गया है हमें। फिलहाल थोड़ा बैंक जाने का काम है, थोड़ा बैंक जाने का काम है, बैंक जाके आते फिर आपसे मिलते हैं। बैंक गया था, काम जल्दी हो गया, रास्ते में लगा देता है, बाइक के साइड में रख देता है, उसके बाद स्टीयरिंग लॉक कर देता है। गलत है ना, मैं भी निकलना है। और बैंक गया, जल्दी हो गया, लंच ब्रेक वाला डायलॉग नहीं मिला ना, दूसरे काउंटर नंबर पे जाने के लिए बोला। समझ रहे हो मैं कौन सा बैंक का बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज सावन का लास्ट सोमवारी, तो आज जल उल ढारने में लेट हो गया और दुकान के लिए बहुत लेट हो गए, 11:30 हो गया। यहाँ का भी आप जाम देखिए, यहाँ ये बहुत नीचे से स्टार्ट हुआ है। और आज राखी भी है, तो सारी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। और जो पिछला बार आपने व्लॉग में देखा था, जो कि मेरा रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर वाले से कुछ जो प्रॉब्लम हो गया था, तो वो इश्यू ख़त्म हो गया। उन्होंने मेरा वो थ्रॉटल बॉक्स जो था वो चेंज कर दिया है। मेरा बाइक एक्सटेंडेड वारंटी है, तो उसी वारंटी में क्लेम हो गया है वो। और अभी तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ पॉल्यूशन बनाने। मेरा पॉल्यूशन जुलाई में ख़त्म हो गया और अभी अगस्त, वो भी उतना ध्यान में नहीं था। कल एम परिवहन में चेक किया तो मेरा फेल बता रहा था, तो इसीलिए आज जाके कड़वा लेते हैं। मुझे लगा मैंने सितंबर में कड़वाया, क्योंकि पिछली बार मैं गया था घूमने तो तभी कड़वाया था, और उससे पहले नया बाइक था तो कड़वाने का ज़रूरत नहीं था। यहीं पे है पोल्यूशन चेक करने वाला। पशु पॉल्यूशन कति होला, 200 हुन्छ गर्दिनु सर। हाँ, ए स्टार्ट गर्नु। ये मेरा पिछला पॉल्यूशन जो कि July 6, 2023 में बना था, तो जुलाई कोई ख़त्म हो गया। अच्छा, थैंक यू। एक वर्ष को है, फिर से 1 साल का हो गया, August 18 के गाइच। तो पॉल्यूशन बन गया है, अब चलते सीधा दुकान। और रक्षाबंधन में हमारी दीदी आई थी गांव से, तो हमने राखी बनवा लिया। ये है हमारा राखी, इधर हमेशा वेट करना पड़ता है। अगर ऊपर साइड से आते हैं तो, नीचे से आते हैं तो सीधा इंडिकेटर देते हैं, सीधा निकल जाते हैं, पर ऊपर से आते हैं तो हमेशा यहाँ पे वेट करना पड़ता है जब तक ऊपर वाला में जाम ना लग जाए। दूसरों का व्लॉग देखता हूँ, दूसरों का एंगल इतने पे दिखता है। मैं भी डाउन कर दूँ क्या? मैं भी डाउन करके देखता हूँ, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। और डाउन करने पर भी उतना नहीं दिख रहा, चलिए इतना ही ठीक है। प्लेन साइड में रहने से डाउन कर देने से होता है, पर यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, थोड़ा आपको भी व्यू का मज़ा मिले, इसलिए थोड़ा कैमरा एंगल ऊपर ही रहे तो आप माउंटेन व्यू सब अच्छे से दिखेगा, तो इसीलिए थोड़ा कैमरा ऊपर ही रहता है। सर जी, जाने दीजिए हम लोग को भी। अब सिक्किम में भी ह्यूमिडिटी होने लगा है, पहले होता ही नहीं था बिल्कुल भी, इतना पेड़ सब है फिर भी बाड़ा बजने वाले। और दोस्तों, मेरा भी बाइक का कुछ एसेसरीज मंगवाया है दिल्ली से, जो कि हफ्ते दिन के अंदर आ जाएगा। तो आता है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जो कि इसका मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था। यहाँ पे कितना खोजा, मिला नहीं, और उसका ज़रूरी भी था, मुझे नीड भी था उसका, तो फाइनली मैंने वो ऑर्डर करके मंगा लिया है। दिल्ली में अपने आदमी सब है तो उन्हीं से मंगवाया है। जाने दो भाई, हाथ दिखा दो, हाथ दिखा दो, हाथ दिखा दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। तो
क्राउडेड एरिया है, यहाँ पे थोड़ा धीरे चलाना पड़ेगा आपको। गैंगटॉक में आएंगे, कोई भी गाड़ी का काम रहे आप ये बाईपास में आ जाइए, आपका सारा गाड़ी का काम हो जाएगा। ये पूरा यहाँ पे गैरेज ही गैरेज है, एरिया का नाम है इंदिरा बाईपास, तो ये पूरा एरिया में गैरेज ही गैरेज है। आप देख ही सकते हैं दोनों साइड में ऐसे सीरीज भी मिल जाएगा। थोड़ा बैक कर लेता तो हम ही निकल जाते, निकल जाएगा तो बाइक का पूरा हीट आ रहा है पैरों पे। और इस बार 15 अगस्त का भी राइड हो नहीं पाया, ऐसे तो ऑर्गेनाइज किया था लोगों ने पर हम पार्टिसिपेट कर नहीं पाए क्योंकि अब पहले जैसा रहा नहीं, जब मन करे तब निकल जाए। 200 हो चुका है, एक संभालना पड़ता है तो, और उसमें भी हमेशा लेट हो जाते हैं जाते वक्त, कभी कभी खुद से लेट हो जाते हैं, कभी कभी दूसरे की वजह से लेट हो जाते हैं। और हाँ, ये बाइक का एक और प्रॉब्लम है, एक साइड ये बाइक तानने लगता है, मैं आपको सीधा रास्ते में दिखाता हूँ। अब थोड़ा न्यूट्रल चलाना पड़ेगा, आपको सीधा रास्ता है भी तो नहीं, अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। आप देखिए, देखिए इसी साइड में ताने जा रहा है, तो ये हिमालयन का मैक्सिमम प्रॉब्लम है ये। अभी ये हिमालयन 450 में ये प्रॉब्लम नहीं है, जो हिमालयन 411 जितना भी था उसमें साढ़े में ये प्रॉब्लम था। और अब कंटिन्यू कुछ इसी टाइप से आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, और यही रास्ता, क्योंकि अभी मैं कहीं पे जा नहीं रहा हूँ और मैं दिसंबर में कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ, मुझे वो करना ही है। मन में एक तरह से मैंने ठान रखा है और मुझे घर से अप्रूवल लेके ही करना है, बिना अप्रूवल का नहीं करना है। अगर घर से मना कर दिया तो मैं वो नहीं करूँगा, अगर अप्रूवल मिल गया तो आने वाले व्लॉग में मैं आपको अपडेट कर दूँगा, और वो दिसंबर में वो राइड हम कंप्लीट करेंगे। और वो राइड होगा लगभग लगभग 1400 से 1500 किलोमीटर का। पिछली बार का व्लॉग में मैंने आपको झाकरी फॉल्स का रास्ता अच्छे से नहीं दिखाया था, ये पुल दिखाया था और झाकरी फॉल्स लोकल साइड सीन बोल के दिखाया था, तो झाकरी फॉल्स ये सीधा आप यहाँ पे जाएंगे तो झाकरी फॉल्स सीधा दिखेगा आपको। यहाँ पे भी एक पुल बन रहा है, पता नहीं कब कंप्लीट होगा ये, कब से बस उतना ही देखे जा रहा हूँ मैं। जाओ भाई जाओ 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 ना जाओ, यार सैडलिंग का कुछ अलग ही मजा है। अच्छा रोड में भी सैडलिंग करने का मन करता है कभी कभी, तो कई कई बार तो शाम को जब घर जाता हूँ शॉप से तो पूरा रास्ता स्टार्टिंग से लेके एंड तक सैडलिंग करते ही जाता हूँ मैं। ओके दोस्तों, तो अभी हम शॉप में पहुँच चुके हैं, एक ही बार शाम को मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग लेके। ओके तो फिर से हम आ चुके हैं, यहाँ पे अभी बारिश हो रहा है और मैं अभी रेनकोट लगा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब जैसे निकलने वाला था अभी 6:55 हो चुका है, आप टाइम देख सकते हो। मैं निकलने के लिए सोच रहा था, अर्जेंट काम आ गया तो अब सामान डिलीवरी देने जाना है, तो यहीं पे अभी गाड़ी लोड हो रहा है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अंधेरे में उतना खास कुछ दिख नहीं रहा है, तो अभी मैं यहाँ से बाईपास तक जाऊँगा, उसके बाद बाइक वहाँ पे रख के गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, तब तक वहाँ पे संतोष लेके आएगा मेरा मासी का लड़का। ओके दोस्तों, गाड़ी लोड हो चुका है और बारिश भी हो रहा है, तो बारिश में ब्लॉगिंग हो नहीं पाएगा और गोप्रो में पहुँचा सकता है, तो इसीलिए हमें आज का ब्लॉग हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये ब्लॉग। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी रैंडम से ब्लॉग में, बाय बाय।